हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए जो अपॉर्चुनिटीज लेके आऊं, जो हायरिंग लेके आऊं, ये बाकी अपॉर्चुनिटीज से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, टाइटल के अंदर देख लिया होगा, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है काफी हायरिंग्स होती है जिनके अंदर आपके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जिसके अंदर आपके कोडिंग असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट, देन जाने के बाद इतने सारे राउंड्स करने के बाद हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। बट आज की जो हायरिंग होने वाली है, कुछ इंटर्नशिप होने वाले हैं, जितने भी हमारे 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। जितने 2024 बैच के कैंडिडेट्स हैं, आप लोग भी इन हायरिंग में अप्लाई कर सकते हो। एंड आज की अपॉर्चुनिटीज बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इन अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे हायरिंग्स में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो वीडियो एंड होते ही सबसे पहले आपका काम होने वाला है कि आपको इन हायरिंग में अप्लाई करना है, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ एंड ये हायरिंग्स होने वाली है, मल्टीपल कंपनीज के अंदर हायरिंग होने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड आपका होने वाला है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। एंड जल्दी से जल्दी हायरिंग में अप्लाई कर लेना, क्योंकि जैसे मैं बाकी वीडियोस के अंदर भी बताया कि डेडलाइंस बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, तो इनकी डेडलाइंस मीट ना हो, इनकी ये हायरिंग क्लोज ना हो, उससे पहले इन हायरिंग में अप्लाई कर लेना, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग का ये काम होने वाला है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसी इंपॉर्टेंट हायरिंग इस चैनल पे आती रहती है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग को तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एंड आप अप्लाई कर पाओगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड वीडियो एंड तक देखना। ये जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि वीडियो एंड तक देखना, एक एक हायरिंग, एक एक अपॉर्चुनिटीज, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, टेकमा एक करके कंपनी है जिसके अंदर जावा डेवलपर इंटर्नशिप आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर से एंड एंड होने वाला है 31 दिसंबर में। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा, आपको बस अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार जॉब डिटेल्स के बारे में बात कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, डिजाइन डेवलप एंड मेंटेन जावा एप्लीकेशन, राइट क्लीन एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल कोड, डीबग एंड ट्रबल शूट कोड इशूज, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। रिक्वायरमेंट्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जितने भी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन नहीं है, सो सबसे पहला काम ये रहेगा अप्लाई करने से पहले आपको एक स्लाइडर सा चेंज करना है। आपको जावा आती है नहीं आती है मैटर नहीं करता है, आपको रेज्यूमे के अंदर जावा ऐड करना है, जिससे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, जिससे आपको रेस्पॉन्स आ जाए। काफी कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरे रेस्पॉन्स नहीं आया हायरिंग का। देखो, आप 1000 हायरिंग अप्लाई करोगे, आप बहुत सारी हायरिंग में अप्लाई करोगे, तो वहां से आपको 2 से 3 हायरिंग का आपको रेस्पॉन्स आने के चांसेस है। बट कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जावा डेवलपर पे हायरिंग होने वाली है, एंड अगर आपके रेज्यूमे के अंदर जावा के कीवर्ड्स नहीं है, जावा रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं है, तो आपका रेज्यूमे कैसे सेलेक्ट होगा, आपको रेस्पॉन्स कैसे आएगा? आप एक बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन है, तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट जितने स्टूडेंट्स के रेज्यूमे के अंदर जावा मेंशन नहीं है, सबसे पहला काम आपका रहेगा रेज्यूमे के अंदर बस एक छोटा सा एडिट करना है कि जो भी आपकी वहां पे स्किल्स है वहां पे आपको जावा मेंशन करना है, देन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर तीनों हायरिंग के, तीन हायरिंग हम देखने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको तीनों हायरिंग दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग तुरंत के तुरंत तीनों हायरिंग में अप्लाई कर लेना। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विद जावा फ्रेमवर्क सच एज स्प्रिंग बूट, ठीक है, MySQL, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स। तो अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी डेप्थ नॉलेज है, तो आप इस हायरिंग में अप्लाई कर लेना। हायरिंग में अप्लाई तो सभी स्टूडेंट्स को करना है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपको कितना टाइम लगेगा जावा पढ़ने में? हार्डली 2 to 3 डेज के अंदर आप जावा पढ़ लोगे, अगर आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पूरी की पूरी डेप्थ नॉलेज है, जितने भी C++ वाले हैं, पाइथन वाले हैं। सो आप लोग को मैं जब सभी को कहूंगा, काफी स्टूडेंट्स हट जाते हैं कि भैया जावा की इंटर्नशिप है, हम तो C++ वाले हैं, पाइथन वाले हैं, हम तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप अप्लाई? आपको हार्डली 1 to 2 डेज लगने हैं जावा पढ़ने में, तो आप लोग अप्लाई करो, रेस्पॉन्स का वेट करो, ठीक है। बट कीवर्ड्स के अंदर जावा मेंशन जरूर होना चाहिए। तो
तो ये हायरिंग होने वाली है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे देखो मेंशन है किया गया है। तो आप अप्लाई करने के बाद इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल पे मैसेज कर सकते हो कि हमने वहाँ पे अप्लाई किया है एंड हमारा रेज्यूमे है, ठीक है। तो आप इनसे बात कर सकते हो एक बार, एक्सपीरियंस आपको दिख रहा है कोई, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इंटर्नशिप ड्यूरेशन 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहनी है, अभी ये नहीं देखना कि कितने मंथ्स की रहनी है, फिलहाल कुछ ले लो अपने हाथ में कि कोई इंटर्नशिप ले लो, कोई एक्सपीरियंस ले लो, आपको काफी हेल्प होगा, ठीक है। 15,000 पर मंथ, मैक्सिमम 30,000 पर मंथ, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे कि कैसा आपका इंटरव्यू होने वाला है। सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हायरिंग देख सकते हैं एक बार हम। नेक्स्ट हायरिंग रहने वाली है स्टेरियम इनोवेट हेल्थ केयर, ठीक है, कंपनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल रहने वाले हैं, जितनी भी प्रोफाइल लेके आऊँ सारी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, कोई ऐसी प्रोफाइल्स नहीं है कि कोई बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल हो या फिर कोई नॉन टेक प्रोफाइल है, जितनी भी प्रोफाइल्स है बहुत अच्छी प्रोफाइल्स है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको कुछ भी वीडियो चाहिए हो किसी भी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई इनका टेस्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू कॉल यहाँ से भी आने वाली है। बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, तो मैटर नहीं करता आपको जावा आती है, पाइथन आती है, C++ आती है, जावास्क्रिप्ट, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विलिंग टू लर्न, एबिलिटी टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद अ रिमोट टीम, ठीक है, नो प्रायर एक्सपीरियंस, रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एट योर कन्वीनियंस। सो गाइस, सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी है कि यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो रिमोट रहने वाला है, एंड रिमोट वर्क इज बेस्ट वर्क, लाइक आप घर से ही काम कर पा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो एक बेस्ट चीज रहने वाली है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको फुल टाइम भी ऑफर हो जाएगा। इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहने वाली है 6 मंथ, बट जब आपकी इनके देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटर्नशिप टाइमिंग फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम। एंड ऐसी कंपनीज क्या करती है कि अगर आपकी इंटर्नशिप के अंदर बेटर परफॉर्मेंस है, सो आपको क्या होता है, आपको PPO मिल जाता है, आपको फुल टाइम ऑफर मिल जाता है। बट जब आप इंटर्नशिप के अंदर अच्छा काम करोगे, सो आपको इंटर्नशिप के अंदर अच्छा काम करना है, ये नहीं सोचना है मुझे फुल टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट अगर आपने इंटर्नशिप के अंदर अच्छा काम कर दिया, सो आपको फुल टाइम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हायरिंग पे, एंड वीडियो एंड होते ही तुरंत के तुरंत अप्लाई कर लेना, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, ठीक है। एप्टिव एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप रहने वाली है, ये एक इंटर्नशिप होने वाली है। एप्टिव इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हमारा मेन काम है रिक्वायरमेंट्स का, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन CSIT, तो जितने भी 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 2024 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड इंटर्नशिप है, सो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस एक्सपोजर इन एम्बेडेड सिस्टम, ये सब चीज़ होगी, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटर्नशिप लोकेशन बैंगलोर होने वाली है, नो प्रायर एक्सपीरियंस, 3 मंथ की ड्यूरेशन होने वाली है, ठीक है। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट अप्लाई करना है। जितनी भी मैं हायरिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा हूँ, हायरिंग वीडियोज लेके आ रहा हूँ गाइस, हाईली रिकमेंड करूंगा जितने भी Tier 3 कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को तो एटलीस्ट अप्लाई करना ही करना है ईच एंड एवरी हायरिंग में, ठीक है। कोई भी हायरिंग मिस मत करना, सब हायरिंग में अप्लाई करते रहना, क्योंकि देखो जितने भी Tier 1 कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर एक बार को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो सकती है, बट Tier 3 कॉलेजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम है। सो आपको ऑफ कैंपस भी चीजें देखते रहनी है, अप्लाई करते रहना है, तभी आपकी प्लेसमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलेगी, एंड अपॉर्चुनिटीज आप कन्वर्ट कर सकते हो प्लेसमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो इन तीनों अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके भैया ने लिंक मेंशन कर दिया है, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे आती रहती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।